या मैं अपनी अच्छा बात बताऊँ, मुझे इंडिया बहुत अच्छा लगता है। मुझे उनके हाँ यार ड्रामास प्यार ही है। वगैरह, हाँ उनके फिल्म्स वगैरह मुझे बहुत पसंद है, और अच्छा मेरा तो ड्रीम है कि मैं इंडिया जाऊँ। अच्छा क्या करोगी इंडिया चली गई तो? अगर मैं चली गई ना, सबसे पहले तो मैं उनके रस्मों रिवाज देखूंगी कि किस तरह करते हैं, उनका मंदिर वगैरह। बस हमने तो एज अ ड्रामो में देखा हुआ है, लेकिन मैं कहती हूँ मैं रियल में देखूँ, अपनी आंखों से देखूँ कि ये किस तरह अरेंज करते हैं ये सब चीजें, उनका मंदिर हो गया, उनकी हर चीज उनकी। उनके फेस्टिवल में कोई अच्छा लगता है, कोई फेस्टिवल उनका? हाँ वो तो मुझे अमेजिंग, मुझे तो सबसे ज्यादा उनकी होली पसंद है। हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं होती है? फिर भी इनसे ये पूछते हैं कि इन्होंने वहाँ पे जी एक कंसेप्ट है, आपके भी रिलेटिव डेफिनेटली वहाँ पे जो रहते हैं मुसलमान ही है ना? आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे मुस्लिम्स को अलग से ट्रीट किया जाता है। सब अब हमारा बिग बॉस जो लगता है उसमें भी इतने मुस्लिम भी लेते हैं बीच में, और नहीं सब कुछ ही है वहाँ पे। आई डोंट थिंक सो कि अलग से ट्रीट किया जाता है, एक ही कम्युनिटी एक डिफरेंट है, लेकिन शफल होके अब इंडस्ट्री में भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं उनके, और काफ़ी आगे भी जाते हैं मुस्लिम्स, तो आई डोंट थिंक सो। अब थोड़ा बहुत तो हर जगह ही होता होगा। दोस्तों इंडियन कल्चर, इंडियन त्यौहार, मंदिर, ये दुनिया के लिए हमेशा एक ना पहेली रहे हैं और अट्रैक्ट करते रहे हैं। आज पाकिस्तान में क्योंकि जब से ये सोशल मीडिया आया है दुनिया देखती है, पहले तो होता था कि छुपा लेते थे ये, लेकिन अब वहाँ की लड़कियाँ जो है वो देख रही हैं कि दुनिया किस तरह भारत के जो कल्चर है, जो त्यौहार है, जो इनकी संस्कृति है कितनी अच्छी है, कितना औरतों को सम्मान दिया जाता है। तो ये वहाँ की लड़कियाँ देख देख के बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि काश हम भी ऐसे होते। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे जो झूठ फैलाया हुआ है वो किस तरह धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, और वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो किस तरह इंडियन कल्चर, त्यौहार, मंदिरों की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वाओ अमेजिंग, ब्यूटीफुल, ये कैसी है? बहुत अच्छी है। अगर मैं कहूँ हिंदुस्तान, इंडिया तो क्या कहोगी? नहीं आप क्या कह रही हैं, ये तो बना ही नहीं सकता इंडिया इतनी अच्छी। इंडिया नहीं बना सकता? नहीं पता है इंडिया कितना डेवलप है, लेकिन इतनी भी अमेजिंग ब्यूटीफुल इस तरह की तो बना नहीं सकता वो। अगर मैं कहूँ पाकिस्तान? आप ना बस छोड़ दें पाकिस्तान को, वो एक अच्छी सी बाइक नहीं अरेंज कर सकता, और आप इतनी बड़ी सिटी की बात कर रही हैं। अच्छा अगर मैं कहूँ ये सच में हिंदुस्तान सिटी है तो क्या कहोगे? सच में मान सकती हो कि ऐसा हो सकता मैं है? तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी कि इतनी अच्छी और इतनी प्यारी उन्होंने बनाई है। फिर तो साइंस सिटी बनाई करते हैं किस इंडिया की है ये? सच में इंडिया की। वाओ अमेजिंग, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये इंडिया की है। सच में क्या कहोगी पाकिस्तान? आज भी गलियों गटरों और सड़कों में फंसे हैं। पाकिस्तान सीख लो कुछ इंडिया से, और यही देख लो जो ये बाइक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कार्स कर रहे हैं, और अब तो सिटी आपने मुझे दिखाई है, मैं तो बस मेरा दिल कर रहा है मैं जल्दी से सिटी में चली जाऊं और अपनी वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट कर दूं। हिंदुस्तान को वैसे फिल्मों और ड्रामों में तो देखा होगा, क्या लगता है कि ज्यादा डेवलप? अच्छे लगते हैं, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे इंडिया बहुत अच्छा लगता है। मुझे उनके ड्रामास वगैरह, उनकी फिल्म्स वगैरह मुझे बहुत पसंद है, और मेरा तो ड्रीम है कि मैं इंडिया जाऊँ। अच्छा क्या करोगी इंडिया चली गई तो? अगर मैं चली गई ना, सबसे पहले तो मैं उनके रस्मों रिवाज देखूंगी कि किस तरह करते हैं, उनका मंदिर वगैरह। बस हमने तो एज अ ड्रामो में देखा हुआ है, लेकिन मैं कहती हूँ मैं रियल में देखूँ, अपनी आंखों से देखूँ कि ये किस तरह अरेंज करते हैं ये सब चीजें, उनका मंदिर हो गया, उनकी हर चीज उनकी। उनके फेस्टिवल में कोई अच्छा लगता है, कोई फेस्टिवल उनका? हाँ वो तो मुझे अमेजिंग, मुझे तो सबसे ज्यादा उनकी होली पसंद है। हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं होती है? करना चाहते हैं हिंदू, लेकिन उन्हें बैन कर देते हैं। बड़ा अच्छा मुझे लगता है राखी बंधन, जो भाई को राखी बांधते हैं बहन है ना, ये बहुत ही हमारे पाकिस्तान को भी चाहिए कि करे। इसमें क्या है? इसमें तो कुछ प्यार होता है बस, वो भाई जो होते हैं गिफ्ट देते हैं बहनों को, और क्या करना होता है? बहनें भूखी होती है गिफ्ट की। ये अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक बहन अपने भाई से इतना मतलब प्यार कर रही है, उसको राखी बांध रही है, बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। यार हमारे पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा करता? मैं तो कहती हूँ वो तरक्की करे, आगे जाए, लेकिन नहीं वो पीछे का पीछे। क्या लगता है कि हिंदुस्तान की बात करें तो जब से वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए तब से हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा चीजें बदली है। बहुत ज्यादा, मैं तो कहती हूँ उनका पूरा हिंदुस्तान ही बदल गया, और इस तरह होना भी चाहिए क्योंकि वो आवाम को सपोर्ट करते हैं, आवाम के लिए बहुत सी चीजें वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, आवाम को मतलब खुशहाल देखना चाहता है। हमारे पाकिस्तान में देख लें आजकल तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, पेट्रोल का रोना ही नहीं खत्म होता यहाँ पे। हमारे पाकिस्तान पे हिसाब लगा ले आप, सबको पता है, सब आवाम को पता है पाकिस्तानियों के क्या हालात हैं, और हमारा ये एक ड्रीम रह गया, हम पाकिस्तान को चेंज होता देखें। क्या लगता है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान बीट कर सकता है? पाकिस्तान नहीं, मुझे नहीं लगता कि कर सकता। नहीं कर सकता नहीं, वो इतने सालों में गए हैं, वो इतने मतलब
हर तरीके से, इकोनॉमिक के लिहाज से, स्टडी के लिहाज से, तालीम के लिहाज से बहुत वो आगे हैं। अगर मैं कहूं 10 सालों में, नहीं मैं तो नहीं मान रही, पाकिस्तान से कोई उम्मीद ही नहीं मैं रखती कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो, नहीं पाकिस्तान नहीं मुझे। क्या मैसेज दोगी हिंदुस्तान के लोगों को? प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाम के लिए कुछ सोचे और हमारे लिए ऐसी चीज, आप ये सिटी देख ले इंडिया की कितनी प्यारी है, अगर आप वो पाकिस्तान में आजाद करे तो पाकिस्तान वाले तो पागल ही हो जाए सच में। वो तो हर दिन हर रात उस सिटी के अंदर ही रहे। हिंदुस्तान को क्या कहोगी, हिंदुस्तान ने जो ये साइंस सिटी बनाई? जी जी, मैं हिंदुस्तान को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि वो इस तरह मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे और अपनी जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो ज्यादा मतलब खुश होंगे इससे। और जाहिर बात है कुछ होना भी चाहिए कि हिंदुस्तान के जो मतलब वज़ीर आला जो भी हुकूमत है वो इतना सोचती है आवाम के लिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी आवाम के लिए कुछ सोचे समझे और बहुत सी चीजें याद करें। आप इंडिया कैसे गई, कब गई, पहले तो ये बताएंगे, क्योंकि वीजा तो नहीं मिल रहा, और फिर वो आगे बहुत सी बातें हैं कि आपने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, जो आपके रिलेटिव्स हैं और आपकी एज के जो वहाँ पे आपके कजन या जो भी वहाँ पे मौजूद हैं वो आज वहाँ पे क्या कर रहे हैं और डेवलपमेंट के हवाले से। सबसे पहले वीजा जी, अभी तो नहीं गई, थोड़ा टाइम हो गया, जब तक वीजा पॉसिबल थे तब तक जाते थे, जाते आते रहते थे, रिलेटिव है मेरे वहाँ पे कुछ तो इसलिए वहाँ पे आना जाना था। अब तो भी बातचीत है उनसे माशाल्लाह, कुछ डॉक्टर्स हैं उधर जी और कुछ टीचर्स हैं और एक तो सिंगर भी है, मैं उनका नाम नहीं बता सकती बट सिंगर है, फिर तो नाम बताना चाहिए उन्हें थोड़ा बहुत, चले खैर वो आपकी मर्जी है। अच्छा, एक कंसेप्ट दिया जाता है, वैसे तो अब ये सवाल पूछ पूछ के मैं थक गया हूँ, जितने भी लोग पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं या इंडिया से पाकिस्तान आते हैं तो मैं पूछता हूँ जी मुसलमानों का, क्योंकि हमारे माइंड में बिठा दिया गया कि मुसलमानों पर जुल्म, मुसलमानों पर जुल्म। मुझे ये बात कन्फर्म है, क्लियर है कि भाई वहाँ पे मुसलमान बहुत बेहतर तरीके से रह रहे हैं, इश्यूज हर जगह पे होते हैं, वहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी इनसे ये पूछते हैं कि इन्होंने वहाँ पे जी एक कंसेप्ट है, आपके भी रिलेटिव डेफिनेटली वहाँ पे जो रहते हैं मुसलमान ही है ना? आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे मुस्लिम्स को अलग से ट्रीट किया जाता है, सब अब हमारा बिग बॉस जो लगता है उसमें भी इतने मुस्लिम भी लेते हैं बीच में और नहीं सब कुछ ही है वहाँ पे। आई डोंट थिंक सो कि अलग से ट्रीट किया जाता है, एक ही कम्युनिटी एक डिफरेंट है, लेकिन शफल होके अब इंडस्ट्री में भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं उनके और काफ़ी आगे भी जाते हैं मुस्लिम्स, तो आई डोंट थिंक सो। अब थोड़ा बहुत तो हर जगह ही होता होगा, अब हमारे कंट्री में भी जो मेजोरिटी मुस्लिम्स है उनकी इतनी वैल्यू है जितनी के माइनॉरिटीज़ के, मतलब कि कम है ना। एग्जाम्पल देखने को मिलती हैं मियाँ वाली की, जो अपना जड़ा वाला का वाक्या पेश आया, सिंध में जो हिंदू माइनॉरिटीज़ के साथ जो इशूज़ हैं, ये पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन आज हम हेल्दी सी डिस्कशन करेंगे, माइनॉरिटीज़ और मेजोरिटीज़ के हवाले से बात नहीं करेंगे। इन्होंने जो बात की खास तौर पे कि भाई बिग बॉस देखते हैं उधर भी मुस्लिम हैं, मैं क्रिकेट की बात करूं आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है तो कितने मुस्लिम्स वहां पे उनकी टीम में खेल रहे हैं, हमारी टीम में कितने हिंदू या नॉन मुस्लिम, हिंदू भी छोड़ें क्रिश्चियन कितने खेल रहे हैं, सिख कितने खेल रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और इसके अलावा अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, अच्छा एजुकेशन में क्या आपने फर्क देखा, या आप अपने कजन से बात करते हैं कि भाई आपके वहाँ पे एजुकेशन इज मोर बेटर देन पाकिस्तान इंडिया, तो क्या आपको क्या लगता है कि उनकी अगर डेवलपमेंट है, पहले तो बताएं डेवलपमेंट है, लाइक आपने सिटी कौन सा विजिट किया, ये तो मेन क्वेश्चन। दिल्ली कहते हैं, दिल्ली और लाहौर, ये हम मैंने सुना है कि भाई एक जैसा है, जैसे कराची और मुंबई एक जैसा और वैसे दिल्ली और लाहौर, आपको लगता है एक जैसा है या वो डेवलप हो चुका या हमारे यहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट? ओवरऑल देखा जाए तो वो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है। सुना दोस्तों, अब वहाँ के लोग समझ चुके हैं कि इंडिया डेवलप कर चुका है, अब उनको पता लग गया है कि पाकिस्तान खत्म हो चुका है, पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है, जो झूठ फैलाते थे लोग वहाँ पे बैठ के मेन स्ट्रीम मीडिया पे, वो सब लोगों को पता लगने लग गया है। आने वाले वक्त के अंदर आप देखिएगा पाकिस्तान के अंदर दंगे इस बात पे होंगे कि भारत आगे निकल गया, तुमने सब छुपा रखा था। देखते जाइएगा दोस्तों, भारत की ऊंचाइयों को कोई अब छू रोक नहीं सकता, भारत ऊंचाइयाँ छूता ही जाएगा। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो हम बन चुके हैं, इसी साल हम जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे और आने वाले टाइम के अंदर हम चाइना को भी पीछे छोड़ेंगे। ये मजाक नहीं है दोस्तों, भारत की नियति है, इसे दुनिया का कोई भी ताकत बदल नहीं सकती है। सनातन का राज होगा ये दुनिया जानती है, आने वाला वक्त हमारा ही है। प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।